वुमन हेल्थ एंड आयुर्वेद इस सीरीज में मेंस्ट्रुअल फ्लो या पीरियड्स के दौरान फॉलो की जाने वाली डाइट और लाइफस्टाइल के कॉन्टिन्यूएशन में जो महिलाएं प्रेगनेंसी प्लान कर रही हों या फिर जो बेबी कंसीव करना चाहती हों उन्हें क्या स्पेशल डाइट फॉलो करनी चाहिए के बारे में बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि ये स्पेशल डाइट क्या है। नमस्कार, आयुर्वेदा फ्री हेल्थ इंश्योरेंस में आप सभी का स्वागत है। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक्चुअली में ओवरी और यूट्रस में होने वाली दो साइकल्स जो कि इंटरैक्ट एंड ओवरलैप करती हैं से बनती है। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस साइकिल जो ओवरी में चेंजेज होते हैं उसे फॉलिकुलर फेज कहा जाता है और ये फेज स्टार्ट होती है फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से ओवुलेशन तक। तो इसमें क्या होता है, एग का मैच्योरेशन होता है और एग जो है वो रिलीज के लिए प्रिपेयर होता है। इसी के साथ जो यूट्रस में चेंजेज होते हैं साइकिल के इसी पार्ट में उसे प्रोलिफरेटिव फेज कहा जाता है, जिसमें कि यूट्रस में न्यू लाइनिंग या जो लेयर्स हैं वो बनती हैं जो कि फ्लो के दौरान शेड हो जाती हैं। तो जो शरीर है वो हर महीने इसी तरह से प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को रेडी करता है, प्रिपेयर करता है। तो देखिए, अब प्रिपरेशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए हमारे पास जो आइडियली डेज हैं डाइट फॉलो करने के लिए वो हमारे पास है कि फ्लो डेज के बाद से ओवुलेशन तक, यानी कि फोर्थ डे से शुरू करके 14th डे का जो टाइम है वो हमारे लिए है कि हम प्रेगनेंसी के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन कर सकें। तो आयुर्वेद के अनुसार ये जो 10 डेज बताए गए हैं कि आफ्टर फ्लो अप टू ओवुलेशन, ये जो है कफ दोष के प्रभाव में होते हैं और कफ दोष जो होता है वो बिल्ड का कार्य करता है। तो यदि सिद्धांत रूप से हम यहाँ पे देखें तो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो तीनों दोषों वात पित्त कफ को संतुलन में रखे और कफ जन्य विकारों को वो दूर करे। तो इसके लिए आयुर्वेद में विशेष रूप से वर्णन आया है जिसे ही मैं स्पेशल डाइट यहाँ पर कह रही हूँ। तो आयुर्वेद में बताया गया है कि फोर्थ डे से यानी कि आफ्टर फ्लो डेज आपको क्या करना है कि जो जौ का सत्तू होता है उसे शहद या घी में मिला करके और उसे सफेद गाय के दूध में घोल करके कांसे या फिर चांदी के पात्र में रख करके उसको बार बार जो है इसका पान करना या इसको पीना है। अब देखिए, यहाँ पे सफेद गाय का दूध बताया गया है तो यहाँ पे गाय का दूध मिलता है तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज जो भी मिल्क है आप प्रयोग में ला सकते हैं। और कांसे या चांदी का जो बर्तन बताया गया है, चूंकि वो मेटल है उनका अपने आप में एक अलग इफेक्ट होता है, परंतु कांच का गिलास यहाँ पर प्रयोग किया जा सकता है। अब इसके अलावा भोजन में आपको सुबह शाम क्या लेना है, तो चावल या जो के जो भी भोज्य पदार्थ आप बना सकते हैं उनको दूध, दही, घी, शहद इनके साथ आप प्रयोग में ला सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चावल की खीर बना के खाई जा सकती है, जो के सत्तू के लड्डू बना के खाए जा सकते हैं, या फिर सिंपल चावल है उनको घी और बूरा के साथ खाया जा सकता है, जो की रोटी बना करके उसको दही के साथ खाया जा सकता है। जो भी प्रिपरेशन आप बना सकते हैं वो आपको प्रयोग में लानी होती है। चलिए अब समझने की कोशिश करते हैं कि आयुर्वेद में जो स्पेशल डाइट जो प्रेगनेंसी के लिए शरीर को प्रिपेयर कर रही है, जौ के सत्तू का प्रयोग किस तरह से काम करता है। तो देखिए, जो जौ का सत्तू होता है वो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट से भरपूर होता है। जौ का जो सत्तू होता है उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम, सेलेनियम, फोलिक एसिड, आयरन, विटामिन बी, नियासिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। और ये सब क्या करते हैं कि जो सेल फॉर्मेशन है, मींस जो एग का फॉर्मेशन हो रहा है उसके प्रोसेस को एनहेंस करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जौ का सत्तू होता है वो शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं उनको फ्लश आउट करने का काम करता है, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है, जिससे कि वो शरीर को अल्कलाइन बना के रखता है। तो होता क्या है, यदि हमारा शरीर एसिडिक हो जाता है तो ये अपने आप में एक इनफर्टिलिटी का कारण बनता है। तो जौ के सत्तू के प्रयोग से जो शरीर है जिसकी जो नेचुरल प्रकृति है कि उसे अल्कलाइन होना चाहिए वो उसे बना के रखता है। जौ का जो सत्तू है गुरु होता है, शीत होता है, मधुर होता है, यानी कि टेस्ट जो होता है इसका स्वीट होता है, इफेक्ट जो है इसका कूल होता है, पोटेंसी कूल होती है, क्वालिटी या गुणों में ये भारी यानी कि गुरु गुण वाला होता है, यानी कि इसको लेने के बाद काफी समय तक आपको भूख नहीं लगती है, पेट भरा भरा फील होता है, वात अनुलोमक प्रभाव वाला होता है यानी अपान वायु को बैलेंस में रखता है, लैक्सेटिव इफेक्ट वाला होता है, वृष या एफ्रोडिसिएक इसे कहा गया है, जितने भी शरीर में चैनल्स हैं उनको क्लियर करने का कार्य करता है,
फैट मेटाबॉलिज्म जो है उसको करेक्ट करता है और मेंटेन रखता है। कफ जन्य जितने भी विकार हैं उनको दूर करता है। जब हम इसे दूध, शहद और घी के साथ प्रयोग में लाते हैं तो ये त्रिदोष शामक प्रभाव वाला यानी कि तीनों दोषों को संतुलन में रखने का कार्य करता है। तो जब हम ऐसी डाइट फॉलो करते हैं तो प्रेगनेंसी के लिए जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट है उसको ये मेंटेन करके रखता है, एग का जो मैच्योरेशन है उसमें हेल्प करता है तथा जो एग की क्वालिटी है उसको मेंटेन रखता है तथा जो यूट्रस की लाइनिंग बनती है उसको बिल्ड करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए अब जानते हैं कि ये जौ का सत्तू बनाना कैसे है। तो बहुत सिंपल है इसको बनाना। सबसे पहले आप क्या है 250 ग्राम जौ जो है छिलके वाले भी ले सकते हैं और बिना पर्ल बार्ले कहा जा सकता है वो भी आप प्रयोग में ले सकते हैं। तो आपको क्या है उनको लेकर के और एक फ्राई पैन में उनको आपको भूनना है यानी कि सिंपल रोस्ट करना है। यहाँ पे मैं जो है ये पर्ल बार्ले यूज कर रही हूँ। इसका एक दूसरा मेथड ये है कि आप 8 घंटे के लिए इन जौ को या बार्लेज को पानी में भिगो करके छोड़ दें और फिर छान लें उनको, और जब वो पानी उनका पूरा निकल जाए तब आप उनको भून लें या रोस्ट कर लें। अब रोस्ट करने के बाद आप इनको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडे हो जाएं तो इन्हें मिक्सी में क्या है ग्राइंड करके इनका पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद आप इसको छान लें और छान करके जो ये जौ के सत्तू का पाउडर आपके पास है इसको आप एयर कंटेनर कोई भी डिब्बा है उसमें सेव करके इसको रख लें। अब इसको प्रयोग लेने के लिए आपको क्या करना है, तो इसके बाद आप 1 कप दूध या फिर 1 गिलास दूध जितना भी आप पी सकते हैं उसके अनुसार दूध ले लें और उसमें 1 से 2 टेबल स्पून यानी कि 10 से 20 ग्राम जौ के सत्तू का पाउडर है उसमें डाल लें और उसको मिक्स कर लें। उसमें 1 चम्मच शहद या अगर आपको थोड़ा मीठा ज्यादा पसंद है तो आप 1.5 से 2 चम्मच भी डाल सकते हैं और 5 से 6 ड्रॉप घी के उसमें डाल करके और मिक्स करके इसको आपको पीना है। अब देखिए अगर आपको थोड़ा ठंडा पीना पसंद है तो 1 or 2 ice cube आप प्रयोग कर सकते हैं, परंतु बेटर ये है कि रूम टेम्परेचर पे जो मिल्क है उसी को ही आप प्रयोग में लाएं। और ऐसा जो ड्रिंक है ये आपको दिन में बार बार पीना है, एटलीस्ट आप 6 से 7 टाइम ऐसी ड्रिंक जो है दिन में पिए। लंच और डिनर के लिए जैसी डाइट पहले मैंने बताई है कि चावल और जौ से बनी हुई चीजें प्रयोग में लाएं तो वही आपको फॉलो करनी है। तो यदि इन दिनों में आप ये डाइट फॉलो करते हैं तो नेचुरली आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप एक अनुकूल वातावरण जो है उसके लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये ऐसी इनफर्टिलिटी जिसे इडियोपैथिक इनफर्टिलिटी कहा जाता है, लाइक सब कुछ ठीक है फिर भी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां ये है कि अगर आप ऐसी डाइट फॉलो करते हैं तो बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलते हैं। तो आप जरूर ये डाइट फॉलो करें और अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें, और यदि कोई भी क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ बिकॉज हेल्थ इज वेल्थ।